नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटो मैक चैनल। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो हमें गाड़ी में कुछ झटका सा महसूस होता है? न्यू गाड़ियों में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो गाड़ियां थोड़ा चल चुकी हैं 3-4 साल, उन गाड़ियों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम गाड़ी में एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी में थोड़ा जर्किंग मोमेंट आता है बीच बीच में कहीं। तो ये जर्किंग मोमेंट किस वजह से हो सकता है, तो अगर आपकी गाड़ी में ये, तो प्लीज़ ये वीडियो देखते रहिए। 6 पॉइंट मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, पर 6 पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो हमारी कॉमन मिस्टेक रहते हैं हमारी। वो मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, बट वो हमारी ड्राइवर की गलती की वजह से प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमारा फ्यूल कम है, गाड़ी के अंदर फ्यूल कम हो रहा है और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो उस टाइम पे जब फ्यूल बिल्कुल खत्म होने वाला था तो उस टाइम पे जर्किंग मूवमेंट महसूस होती है, सबको पता है। दूसरा, जब हम गाड़ी सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं हमारा कोल्ड स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे ऑटो चोक जो है वो गाड़ी में लगती है, मीन्स गाड़ी के आरपीएम कुछ ऊपर चले जाते हैं। फिर जब वो गाड़ी का इंजन थोड़ा वार्म अप हो जाता है तो वो गाड़ी के आरपीएम नीचे आ जाते हैं। अगर हम गाड़ी के इंजन को वार्म अप ना करें और सीधा गाड़ी का सेल्फ मारा और ले गए सड़क के ऊपर, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी देर के लिए, जब तक इंजन गर्म नहीं होगा, आपको ये जर्क्स देखने को मिलते हैं। बट ये तो हमारा ह्यूमन मिस्टेक्स थी, ड्राइवर मिस्टेक्स थी। बट इसके अलावा आज हम बात करते हैं मैकेनिकल मिस्टेक्स के ऊपर, ऐसे 6 पॉइंट्स जो आपकी गाड़ी में हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं स्पार्क प्लग्स एंड वायर। स्पार्क प्लग गाड़ी के हर सिलेंडर के अंदर होता है। स्पार्क प्लग का काम होता है एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाना। स्पार्क प्लग मींस वो एक चिंगारी पैदा करता है। अब स्पार्क प्लग, मैं पिक्चर डिस्प्ले करता हूँ, इसमें आप देख रहे हो कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है इसका कुछ गैप मेंटेन करना जरूरी होता है, और कई बार इसमें कार्बन डिपोजिशन होती रहती है जिसकी वजह से एक गैप जो है वो थोड़ा कम होता जाता है। जैसे ही गैप कम या ज़्यादा हो गया, या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, उस टाइम पे ये हमारा स्पार्क नहीं हो पाता है, या तो फिर वीक स्पार्क होता है। और जब वीक स्पार्क होगा तो हमारा जो एयरफुल मिक्सचर है अंदर, वो उसको नहीं जला पाएगा। और जब वो जिस टाइम पे किसी स्ट्रोक में अगर वो फ्यू स्पार्क प्लग स्पार्क नहीं करा, तो उस टाइम पे वो मिस फायर कर देगा, उसको बोलते हैं मिस फायर। तो जब ये मिस फायर होता है, उस टाइम पे हमें जर्क महसूस होती है कि हम एक्सेलरेटर दे रहे हैं बट उस स्ट्रोक में हमें वो पावर नहीं मिली, इसलिए बीच में वो झटका हमें महसूस होता है। दूसरा बात करने वाला हूं मैं इंजेक्टर के बारे में। इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर, जैसे कि आपको पता है, सबको पता है कि MPFI इंजन है पेट्रोल में भी, उसमें भी इंजेक्टर है, डीजल में तो ऑलरेडी थे ही, जो CRD और डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है उसमें तो इंजेक्टर थे। इंजेक्टर का काम होता है सबसे पहले फ्यूल को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उनको एटमॉइज्ड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर भेजना, क्योंकि जितने ज़्यादा हम छोटे बारीक पार्टिकल तोड़ पाएं फ्यूल के, उतना ही उनको जलाना आसान होता है। जितना उनको जलाना आसान होता है, पूरी तरह जलेंगे, पावर पूरी तरह बनेगी, पूरे फ्यूल का यूटिलाइजेशन होगा और हमें पावर पूरी मिलेगी। बट अगर ये फ्यूल इंजेक्टर का जो एक छोटा सा होल रहता है फ्यूल इंजेक्टर में जो स्प्रे करता है, अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज हो गई है, और ये ब्लॉकेज तब होती है जब हम कुछ ऐसा कंटामिनेटेड फ्यूल या हमारा फ्यूल फिल्टर हमारा खराब है पीछे से, जो कि डस्ट पार्टिकल्स या और पार्टिकल्स को नहीं रोक पा रहे, बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स को, वो जाके उस होल में जाकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्रे करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब ऐसा स्प्रे करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस टाइम पे फ्यूल अंदर उतना नहीं आ पाता है, और जब हम एक्सेलरेट देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो उस टाइम पे स्पार्क प्लग भी होगा, स्पार्क भी करेगा, बट वो फ्यूल नहीं जल पाएगा। अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो फ्यूल नहीं जल पाएगा, क्योंकि फ्यूल उतना आया ही नहीं अंदर। तो उस टाइम पे भी हमारा गाड़ी में जो है वो जर्किंग मूवमेंट जो है वो हमें महसूस होगा। तीसरा, मैं बात करता हूँ डैमेज एक्सेलरेटर केबल की। डैमेज एक्सेलरेटर केबल मैं से बात चीज समझ लो कि जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसका जो एक्सेलरेटर वायर होता है, जो कि हमारे एक्सेलरेटर पैडल से लेकर हमारा जो थ्रॉटल बॉडी होता है इंजन के अंदर, उसको वो खींचता है, जिसकी वजह से हमारा जो होल जो बंद होता है वो ऐसे होता है, जिसकी वजह से एयर अंदर आती है। जब हम एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं तो फिर से बंद हो जाता है, जैसे हम एक्सेलरेटर दबाएंगे तो खुल जाता है, जिसकी वजह से एयर अंदर आती है। तो अगर ये एक्सेलरेटर वायर खराब है, अगर एक्सेलरेटर वायर पुरानी है, तो उसकी पुरानी होने की वजह से वो थोड़ा सा लैंग्वेशन टाइप का प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेट जब हम करते हैं तो उसका रिस्पांस थोड़े टाइम बाद मिलता है हमें, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद मिलता है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी में दोबारा से जर्किंग मूवमेंट जो है वो फील होता है। फोर्थ, मैं बात करता हूँ ब्लॉक्ड फ्यूल और जो हमारा एयर के पासिस होते हैं, अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज है तो एयर के लिए पास होगा हमारा एयर फिल्टर, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर एयर फिल्टर हमारा क्लॉग्ड है, साफ नहीं किया, तो एयर खींचने में इंजन को प्रॉब्लम होगी, और जब तक एयर नहीं मिलेगी मींस हमें O2 नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जो कि जलाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। दूसरा, अगर फ्यूल हमारा पूरे तरीके से नहीं आ पा रहा, जैसे हमारा फ्यूल कहाँ से आएगा, फाइनली हमारे इंजेक्टर से आएगा, और इंजेक्टर में जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर प्रॉब्लम है तो फ्यूल पूरा, तो दोनों ही चीज़ें प्रॉपर रेशो में आनी चाहिए।
एक मिक्सचर जो रिच मिक्सचर जिसको बोलते हैं, एक प्रॉपर रिच मिक्सचर जिसको बोलते हैं, वो नहीं बनता। ऐसा नहीं कि फ्यूल आ रहा है तो एयर कम आ रही है, एयर आ रही है तो फ्यूल कम आ रहा है, तो दोनों प्रॉपर मिक्सचर में आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, जिस टाइम पे कुछ एक चीज़ कम हो रही है, तो उस टाइम पे भी जो है वो मिसफायर होता है, और जब मिसफायर हो जाएगा बीच में, सो फायर नहीं होगा तो पावर नहीं बनेगी बीच में, जिसकी वजह से दोबारा से हमें फिर वो जर्क जो है वो महसूस होगा। फिफ्थ में बात करता हूँ एक्यूमुलेटेड मॉइस्चर की। मॉइस्चर हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर की कैप के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो हमारे स्पार्क प्लग को, मान लो थ्री सिलेंडर इंजन है तो तीन स्पार्क प्लग होंगे, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज सप्लाई करता है। हर एक स्पार्क प्लग को 22,000 से 24,000 25,000 तक की वोल्टेज सप्लाई करता है। बट अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कहीं वो मॉइस्चर आता है तो वो पावर उतनी नहीं भेज पाता है आगे, या प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ ना कुछ आ जाती है, या वो थोड़ा मिस कर देता है उसको पावर को जंप कराने में हमारे स्पार्क प्लग तक, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, और इसकी वजह से भी जो है वो हमारी गाड़ी में थोड़ा जर्किंग मोमेंट होता है। सिक्स्थ में बात करता हूँ कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। कैटालिटिक कन्वर्टर में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है जो इंजन से जो धुआं आ रहा होता है उसमें जो हार्मफुल गैसेस होते हैं, उस हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस में कन्वर्ट कर देना। बट अगर कैटालिटर ऑलरेडी क्लॉग्ड है, जाम है, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और जब वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो बाकी तो पीछे से और स्मोक आ रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, ये हमारी गाड़ी में जो है वो जर्किंग मूवमेंट रहता है जब हम एक्सलरेट करते हैं। तो ये कुछ एक 5-6 पॉइंट थे, अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है जर्किंग मूवमेंट का, कहीं कहीं आपकी गाड़ी जर्क करती है, मिसफायर करती है, तो ये 6 रीजन में से कोई ना कोई एक रीजन जरूर होगा। तो प्लीज़ आप अपने मैकेनिक से कंसर्न कर सकते हैं इस फॉल्ट को लेकर। तो वीडियो अच्छी लगे तो एज यूजुअल लाइक कर दें यार, और नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर में, छोटा सा बॉक्स है उसको क्लिक कर दें। उसके बाद क्लिक करने के बाद बेल आइकन बटन आता है उसको प्रेस कर लें, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अगली वाली वीडियो की मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।